एवरीवन, वेलकम टू वननाथ सिंधिया। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल टेराकोटा मिनिएचर पॉट से एक वॉल डेकोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस के लिए मैंने 18 बाय 12 इंचेस का प्लाई लिया है और हर्ट शेप के लिए 12 बाय 1.5 इंचेस के दो प्लाई के पीसेस कील से बोर्ड पे जोड़ दिए हैं। शेल्फ्स बनाने के लिए बोर्ड का मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। इन पीसेस को चिपकाने के लिए, फिक्स करने के लिए हमें फेविकॉल यूज़ करना है और बहुत सारा फेविकॉल यूज़ करना है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, नहीं तो ये पीसेस बाहर निकल आएंगे। फेविकॉल लगा के इसे एक दिन छोड़ देना है सूखने के लिए। तो ये तैयार हो गया है हमारा पीस। प्लाई पे हम वॉल का टेक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने सेरेमिक पाउडर लिया है। 2 पोर्शन ऑफ सेरेमिक पाउडर एंड 1 पोर्शन ऑफ ग्लू लिया है। उसको मिक्स करके, और थोड़ा थिन पेस्ट है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप इसको प्लाई पे स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के लिए आप स्केल, स्पैचुला या आयरन की पत्ती यूज़ कर सकते हैं और इसी से हम टेक्सचर भी बनाएंगे। यहाँ मैंने ब्रिक्स का टेक्सचर बनाया है। बेस कोट के लिए पूरे स्ट्रक्चर को वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर देना है और ऐसे ही हम पॉट्स को भी पेंट कर लेंगे ताकि हमें एक स्मूथ सरफेस मिले अपने मनपसंद डिज़ाइन बनाने के लिए। पहले पॉट में मैंने खूब सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं और इन सर्कल्स में मैं अलग अलग कलर्स भरूंगी। और जो आर्ट फॉर्म यूज़ किया है वो है वार्ली, जो कि महाराष्ट्र का है। बेस कलर के लिए मैंने क्रिम्सन कलर यूज़ किया है। ये सब मैं एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ कर रही हूँ इन पॉट्स पर पेंट करने के लिए। सेंटर में वाइट एक्रेलिक कलर किया है। नेक्स्ट सर्कल में मैंने गोल्डन कलर किया है। अब ये जो मैंने गोल्डन कलर बनाया है, ये मैंने गोल्ड डस्ट प्लस मीडियम से बनाया है। आप वॉर्निश यूज करके भी कर सकते हैं। और जो लास्ट सर्कल है वो अल्ट्रा मैरिन ब्लू से बनाया है। अब सेंटर में वार्ली के डिजाइन को आउटलाइन देने के लिए मैंने परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल किया है। आप थिन ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं ब्लैक एक्रेलिक कलर को यूज़ करके। अब डॉटिंग टूल्स की हेल्प से मैंने इस पे डॉट्स बना दिए हैं। आप ईयरबड्स को भी यूज़ करके बना सकते हैं। और ये तैयार हो गया हमारा फर्स्ट पॉट। जो सेकंड पॉट हम बना रहे हैं उसका आर्ट फॉर्म है मधुबनी। मधुबनी बिहार का आर्ट फॉर्म है, इसको मिथिला आर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने हाथ से ही डिज़ाइन बना लिया है। आप कंपास की हेल्प ले सकते हैं और डिज़ाइन के लिए आप डिज़ाइन ट्रेस भी कर सकते हैं कार्बन पेपर लगा के। मधुबनी में बहुत ही ब्राइट और कंट्रास्ट कलर यूज़ होते हैं। यहाँ पर मैंने जो कलर यूज़ किया है वो है क्रोम येलो, जो कि पॉट का मेन कलर है। क्रिम्सन कलर और लाइट ग्रीन कलर से मैंने बाकी के सर्कल्स को फिल किया है। पॉट के रिम पर हम गोल्डन कलर करेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। पॉट के सेंटर में मैंने मधुबनी का फिश पैटर्न यूज़ किया है। ये आप पतले ब्रश से बहुत इजीली बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है। ये भरनी स्टाइल पे मैंने फिश को पेंट किया है। आउटलाइनिंग का काम मैंने थिन ब्रश से किया है, 000 नंबर ब्रश है। आप इसे परमानेंट मार्कर से भी कर सकते हैं, इजीली हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले पॉट में किया था। डॉटिंग टूल से डिज़ाइन देने पर ये और अट्रैक्टिव लगने लगा है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पॉट और ये बन गया हमारा सेकंड पॉट। थर्ड पॉट जो हम बना रहे हैं उसमें जो आर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो है वार्ली। वार्ली में बेसिकली जो कलर्स यूज़ होते हैं, तो जो फिगर्स बनते हैं वो बेसिकली वाइट कलर से बनते हैं। पहले राइस पेस्ट यूज़ होता था और जो बैकग्राउंड कलर्स होता था वो हिना, इंडिको,
अर्दी ब्रिक रेड कलर या अर्दी ब्राउन कलर, ये सब यूज़ होता था। पर इन पॉट्स पे मैंने कलर्स बहुत सारे यूज़ किए हैं ताकि ये बहुत ही ब्राइट और अट्रैक्टिव दिखे। यहाँ पर मैंने डांसिंग ह्यूमन फिगर्स बनाई हैं। वार्ली में ज़्यादातर ट्राइंगल्स और सर्कल्स का यूज़ होता है, उसी से ये फिगर बनाया है। और बाकी सारा डिज़ाइन मैंने इस पॉट पे डॉटिंग टूल्स को यूज़ करके बनाया है। तो ये रेडी हो गया हमारा थर्ड पॉट। अब जो फोर्थ पॉट हमने लिया है वो उसके साइज़ के वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस पे डिज़ाइन क्या बनाए, तो मैंने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर अल्ट्रा मैरिन और नीचे ऑरेंज, और बीच में एक गोल्डन कलर का बैंड बना दिया। आर्ट फॉर्म जो मैंने इसमें लिया है वो है डॉट मंडला आर्ट। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि बेस कोट हमेशा दो या तीन लेयर्स में हो तो वो अच्छा आता है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा फोर्थ पॉट। तो अब चलते हैं हम अपने पांचवें पॉट की ओर। तो इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ है वो है सेरुलियन ब्लू और क्रिम्सन रेड। दोनों ही बहुत ही कंट्रास्ट कलर है। जो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है वो बहुत ही सिंपल कर्व्स, लाइंस और डॉट्स को लेकर बनाया है। पैटर्न बहुत ही सिंपल है, स्टिल ये बहुत खूबसूरत दिखता है बनके। गोल्डन लाइंस एंड डॉट्स डाल के ये पॉट अब हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। सिक्स्थ पॉट पे मैंने फिर से डॉट मंडला का डिज़ाइन दिया है, और जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो है ब्लैक एंड क्रिम्सन। डॉट्स मैंने लगाए हैं गोल्डन कलर से, गोल्ड डस्ट और मीडियम को मिक्स करके। उसके बाद मैंने वाइट कलर से थ्री पेटल का डिज़ाइन बनाया है। ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्रोम येलो यूज़ करके वो डिज़ाइन फॉर्म किया है। अब मैंने ट्रिपल डॉट्स डिज़ाइन बना के इसको कलर को बैलेंस कर दिया है बाकी कलर्स के साथ। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा सिक्स्थ पॉट। तो अब आ गए हैं हम अपने लास्ट पॉट पे। तो लास्ट पॉट पे जो मैंने डिज़ाइन प्लान किया है वो है मधुबनी का। जो कलर लिया है पॉट का वो है नियॉन ग्रीन। नियॉन ग्रीन जैसा आप देख रहे हैं बहुत पतला कलर है, तो उसके मैंने तीन चार कोट इस पे अप्लाई किए हैं। पॉट का नेक पोर्शन ब्लू कलर से पेंट किया है। इस प्रोजेक्ट में आपने देखा कि मैंने दो या तीन ही आर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं, और उससे ही कलर कॉम्बिनेशंस चेंज करके डिज़ाइन अलग अलग ले करके और ये सेवन पॉट्स तैयार किए हैं। आप चाहें तो और भी आर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिछवई, गोंड, लिपन या फिर कोई और आर्ट फॉर्म। अभी तक आपने देखा कि मैंने जितने भी पॉट्स बनाए हैं वो बहुत ही ब्राइट और कलरफुल बनाए हैं, बहुत अट्रैक्टिव बने हैं वो, क्योंकि जो मैं बेस प्लान की हूँ वो थोड़ा डल की हूँ। अगर हम दोनों चीज़ ही बहुत ही ब्राइट ले लेंगे तो वो बैलेंस नहीं हो पाता है कलर, और हमारे आँखों को अपील नहीं करता है। सेंटर के डिज़ाइन के लिए जो कलर्स यूज़ किए हैं मैंने वो हैं क्रोम येलो, लाइट ग्रीन, क्रिम्सन एंड ब्लैक। गोल्डन कलर से रिम और ऊपर का पोर्शन पेंट किया है, और फिर बाकी डिज़ाइन डॉटिंग टूल से कंप्लीट कर दी है। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारा सेवेंथ पॉट। तो अब हम अपना शेल्फ का स्ट्रक्चर पेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने स्पंज से सबसे पहले वाइट कलर अप्लाई किया, फिर क्रोम येलो और फिर ब्राउन, और उसको फिर ब्लेंड कर दिया। फिर ब्रश के हेल्प से ब्रिक्स का लाइन आउटलाइनिंग कर दिया। ब्राउन कलर यूज़ करते हुए हम ब्रश की हेल्प से उसमें थोड़ा टेक्सचर दे देंगे। शेल्फ्स को हम ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। ऊपर का जो हार्ट शेप है उसको मैंने क्रिम्सन कलर से पेंट किया है। तो आगे पीछे करके आपको अच्छे से पेंट करना है। और फाइनली ये तैयार हो गया है हमारा टेराकोटा पॉट्स वॉल डेकोर। तो चलिए अरेंज करते हैं पॉट्स को इन पे और देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा लगता है। कुछ
कुछ लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर और मिनिएचर पॉट्स को पेंट करके जो ये वॉल डेकोर बना है, ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।